पूरे मीडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप सुधीर चौधरी पे जो केस हुआ है, पे जो अभी इन्होंने बॉयकॉट करने की बात करी है, जो ठगों की सेना नहीं, जो क्लास का नालायक बच्चा होता है ना, वो कहता है मैं उस मैडम से नहीं पढ़ूंगा, अरे मैडम मेरे को तंग करती है, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं मैडम मेरे को नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैडम सही पढ़ा दी है और बच्चे से सही सवाल कर रही है। अब उसके पास बच्चे पे जवाब नहीं है, बच्चा है फेलियर, बच्चा है डफर या फिर बच्चा है कामचोर, इसीलिए वो कहता है बच्चे के मैडम से नहीं पढ़ूंगा। तो ये जो इन्होंने जो लिस्ट निकाली, ये सारे वही स्ट्रिक्ट टीचर हैं और ये सारे वो नालायक बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, और आज इन्होंने इनको बॉयकॉट करा है। मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आने वाले चुनाव के अंदर जनता इनको बॉयकॉट करेगी। आप अगर चार सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जनता के सवालों का सामना कैसे करोगे? अगर आपका होमवर्क पूरा है तो आप उनका सामना करने से क्यों कतरा रहे हो? आप बोलो सुधीर चौधरी जैसे 10 आ जाएंगे तो भी हम उनसे नहीं डरेंगे, हम सवाल का जवाब देंगे। मैं आपके चैनल में जवाब दे रहा हूँ ना, कि मैं लाल किले के सामने खड़े होकर डंके के चोट पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरा होमवर्क ठीक है। मैं देश की बात करूँगा और देश की बात सुनूंगा। ये लोग देश हित की बात करते हैं, धर्म हित की बात करते हैं, इनके पेट में दर्द हो जाते हैं। इनको कैसे पत्रकार चाहिए? रवीश कुमार जैसे क्या माहौल है, कौन सी जात है, बस इसके ऊपर इसका कुछ आता ही नहीं, तभी यूट्यूबर बन के रह गया, ठीक है ना? तो ये बात है सत्य। क्या ये प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करना नहीं चाहते धीरे धीरे? कौन खत्म करना चाह रहे हैं? अगर इस तरीके से, जैसे मान लो 14 उन लोगों को बंद कर दिया, बैन करने की, कह रहे हैं कि उनसे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये 28 लोगों की सेना कोई भारत थोड़ी है, ये तो भारत के वो गद्दार हैं जो भारत के गद्दारों के साथ खड़े होते हैं, तो इनके कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो बॉयकॉट कर देंगे तो क्या फर्क है? हम बात करेंगे ना सुधीर चौधरी जी के साथ, हम बात करेंगे अमन चोपड़ा जी के साथ, हम बात करेंगे सुशांत सिन्हा जी के साथ, और अभी ये एक नहीं, अभी कई सारे हैं, अभी राम मोहन शर्मा जी न्यूज़ वाले हैं। आप अभी इतनी सेना है राष्ट्रवादी पत्रकारों की, ये किस किस को बॉयकॉट करेंगे, एक दिन ये खुद ही बॉयकॉट हो जाएंगे। तो आप सुधीर चौधरी जी के साथ हो? मैं भारत के साथ हूँ और सुधीर चौधरी जी भी भारत के साथ है, धर्म हित देश हित की बात करते हैं, मैं डंकी के चोट पे उनके साथ हूँ। हाँ, और क्या?